नमस्कार, अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार खासकर शिक्षा जगत से, बिहार से और अपने आसपास। शिक्षक संघ की बैठक, शिशुओं की ऑनलाइन हाजिरी बंद नहीं हुई तो होगा आंदोलन। 20 से मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का काम शुरू होगा, 1400 मतदाताओं पर बनेगा बूथ। विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन का फार्मूला किया तय। विश्वविद्यालय वैश्विक पाठ्यक्रम के बारे में देनी होगी जानकारी। सितंबर में शिक्षण परीक्षा पास शिशुओं होगा पदस्थापन। वाजिब कारण वालों की फिर से कराई जाएगी काउंसलिंग, अब तक 5% से कम शिक्षकों की काउंसलिंग छुट्टी। ऑनलाइन हाजिरी बंद नहीं हुई तो आंदोलन पर उतरेंगे शिक्षक। अब सरकारी स्कूलों की परीक्षा सामग्री की होगी केंद्रीकृत छपाई। बीआरसी तक प्रश्न पत्रों को पहुंचाएंगी एजेंसी। यूपीएससी में सीधी भर्ती पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा। जिले में नियुक्त दूसरे राज्य के 14 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। ऑनलाइन हाजिरी खिलाफ खोला मोर्चा। निश्चित रूप से भौतिक सत्यापन कराएं डीएम। डीजे पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का फरमान। 1400 के मानक के आधार पर मतदान केंद्रों का होगा पुनर्गठन। अंतिम रूप से मतदान केंद्र सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर से पहले होगी। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह गई 52% सीटें। आज दोपहर 1:33 से शाम 6:27 तक राखी बांधना शुभ। ये कल का है समाचार। बाल विज्ञान कांग्रेस की सभी गतिविधियां स्थगित, फंड भी बंद। साढ़े 8,000 से अधिक नियोजित शिशुओं वेतन भुगतान नहीं। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 3,012.85 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। मुजफ्फरपुर से है। ये थे कुछ मुख्य समाचार। जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।